हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज़ एट रैंडम। चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको एक बहुत ही टेस्टी और स्पेशल पराठा। बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसके अंदर की फिलिंग आप गेस नहीं कर पाएंगे। आई कैन बेट आप बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर मैंने क्या फिलिंग डाली है। और मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जो भी मैंने फिल किया है ना, बहुत हेल्दी है। नहीं कर पाए ना गैस, इसे आप चटनी के साथ, दही के साथ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बनाओ, बच्चों को टिफिन में दो, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये बना है स्प्राउट्स के साथ। स्प्राउट्स की मैंने फिलिंग डाली है। कैसे डाली है, चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो ये देखो, मेरे पास टिफिन भर के स्प्राउट्स हैं। ये मूंग दाल, साबुत जो मूंग होती है ना वो, और थोड़े से चने के मिक्स्ड स्प्राउट्स हैं। अब ये मैंने दो दिन पहले भिगाए थे, कल मैंने इसे शाम को चाय के साथ थोड़े से गार्लिक और हरी मिर्ची के साथ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए कुक किया था, हल्के जब सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे चाय के साथ ऐसे ही पसंद है। तो इसलिए मैंने, हम लोग सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे। उसके बाद ये इतने स्प्राउट्स बच गए थे, तो उसको उठा के फ्रिज में रख दिया। अब आज मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ, सारे स्प्राउट्स उठा करके मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिए हैं और इसे कर लेंगे हम ब्लेंड। पानी वगैरह कुछ मत डालना, इसको ऐसे सूखा ही आपने ग्राइंड करना है, ठीक है। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, बिल्कुल सूखा सूखा सा लगेगा, और जब हाथ से टच करोगे, छोटे छोटे बड़े 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 ऐसे दाने हाथ में आपको फील होंगे, बिल्कुल इस तरीके से। बस आपको बिल्कुल परफेक्ट यही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखो, मतलब इसके पहले आपके स्प्राउट्स कुक होने चाहिए, हमारे पास तो ऑलरेडी कुक्ड वाले थे, तो इसे मैं निकाल लिया है मैंने एक बड़े बर्तन में, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब भी स्प्राउट्स बनाओ, थोड़े से ज़्यादा बनाओ, थोड़े से चाय के साथ एंजॉय करो, सैलड बना लो, और कुछ स्प्राउट्स को आप इस तरीके से बना सकते हो। एक बड़ा प्याज, 2 हरी मिर्ची को मैंने अपने हैंडी चॉपर में चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। जो प्याज की चॉपिंग है ना, थोड़ी सी फाइन ही करना, जिससे आपको स्टफ़ करने में आसानी हो। फिर क्या होता है ना, जब आप पराठे को बेलते हो तो बड़े बड़े प्याज के टुकड़े होते हैं, वो साइड साइड से निकल जाते हैं और फिर वो बेलने में मुश्किल आती है, इसलिए छोटे छोटे पीसेस रखना। अब इसमें डालेंगे हम 3 बड़े चम्मच सत्तू। जो चने का सत्तू मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, वही मैंने यूज़ किया है। नहीं आपके पास हो, अजवाइन डाल दी है मैंने 1/2 छोटा चम्मच, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। डालेंगे हल्दी पाउडर करीब 1/2 छोटा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेना, आप थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हो तो थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लेना, कम खाते हो तो कम कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर आपका सत्तू पाउडर ना हो ना, तो आप क्या करो, जो भुने वाले चने आते हैं ना, उनको आप तुरंत ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हो। और 1 नींबू का पूरा जूस इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, मतलब पूरे नींबू का जूस डाल देना इसमें। इससे क्या होगा, एक जो मिक्सचर है इसमें एक बाइंडिंग भी आएगी और एक बड़ा अच्छा खट्टा टेस्ट आएगा। और इसको टेस्ट करके देख लेना एक बार थोड़ा सा कि इसमें नमक, मिर्ची, खट्टापन सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। देखो, इस तरीके से ऐसे से मुट्ठी बनाओगे ना तो लड्डू सा बनना चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो। और बस इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, चाहो तो पहले ही डाल देना, मैं भूल गई थी, और थोड़ी सी हरा धनिया। बस आपको ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। बेसिक से मसालों के साथ मैंने बनाया है, कुछ भी इसमें, लेकिन इसको हम मुंह में डालोगे ना, बड़ा ही टेस्टी है, क्योंकि इसमें धनिया डाल दिया मैंने, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गार्लिक का फ्लेवर है, जो क्योंकि जब मैंने स्प्राउट्स को फ्राई किया था ना, तब मैंने आपको बताया हरी मिर्च स्प्राउट्स के साथ में। आटा बिल्कुल सिंपल आटा है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, जब भी हम स्टफ़ करते हैं तब आटे को भी, इसमें नमक भी नहीं मिला हुआ है, क्योंकि मैं पतला सा पराठा बेलूंगी, इसलिए मैं अब नाश्ता बनाने जा रही थी, टिफ़िन बनाने जा रही थी, तो सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। इसलिए मैंने सोचा चलिए फटाफट से मैं आपको भी रेसिपी दे देती हूँ। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में स्प्राउट्स बच्चे हों और आपको समझ ना आ रहा हो, बच्चे कह रहे हो भाई हम स्प्राउट्स नहीं खाएंगे, भाई बहुत खा खा के बोर हो गए, तो आप स्प्राउट्स के साथ ये पराठे बना लेना, बिल्कुल वो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे और पता भी नहीं लगा पाएंगे कि आपने स्प्राउट्स के साथ बनाया है। ये देखो, सूखा आटा ले लिया है मैंने, सूखा आटा लगा लगा के आपने इस तरीके से पराठे को बेल लेना है। बस सिंपल, जैसे पराठा आप सेकते हो बिल्कुल उसी तरीके से आप सेक लो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बहुत सारी हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ लेके आती हूँ, बेकिंग, कुकिंग, मतलब केक्स, मैंने बहुत सारे केक्स भी सिखाए हैं, कुकीज़ भी सिखाए हैं, बहुत केक आप माइक्रोवेव में बना लो, अवन में बना लो, कुकर में बना लो, कढ़ाई में बना लो, यार तवे में बना लो, इतने आसान आसान केक मैंने सिखाए हैं। और हेल्दी रेसिपीज़ में तो बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़, टिफ़िन बच्चों के, तो सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप चेक कर सकते हो।
और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फटाफट से जाके अभी फॉलो कर लो। और ये हमारा टेस्टी पराठा बनकर रेडी है, इसे आप दही के साथ सर्व करो, बहुत अच्छा लगता है दही के साथ। और मैंने तो दही वाली चटनी बनाई है इसके साथ में। दही वाली चटनी बनानी बहुत आसान है, रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, बस हरा धनिया, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, दो गार्लिक क्लोव्स और 3-4 चम्मच दही डाल के, नमक डाल के आपने ग्राइंड कर लेना, बड़ी टेस्टी चटनी बन जाती है। और ये देखो फिलिंग देख रहे हो, पूरी इवन फिलिंग हुई है, परफेक्ट बिल्कुल। तो इसे बनाओ, खाओ, एंजॉय करो, फीडबैक के साथ जरूर से शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।